बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं स्पेशल चिकन कढ़ाई। इसके लिए हमने 1.5 किलो चिकन लिया, 3 अदर टमाटर चॉप कर लिए गए, धनिया, घी है, एक प्याली दही है तकरीबन 200 ग्राम, 2 अदद प्याज हैं जिन्हें चॉप कर लिया गया, एक लेमन, कुछ खड़े मसाले हैं, 8 से 10 लौंग हैं, दालचीनी के टुकड़े हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, 2 तेज़ पत्ता और 2 बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून साल्ट है, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। कढ़ाई में घी शामिल कर लेते हैं, तकरीबन 50 ग्राम। सबसे पहले कढ़ाई में प्याज शामिल कर लेते हैं, प्याज हमारे सोते हो चुके हैं। उसके बाद खड़े मसाले शामिल कर लेते हैं, मिनट के लिए फ्राई करना। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लेते हैं, उसके बाद चिकन शामिल कर लेते हैं, प्याज और मसालों के साथ तकरीबन 5 मिनट फ्राई करने। ऐसे चिकन की स्मेल खत्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं, चिकन हमारा तकरीबन ब्राउन की तरफ चला गया। इसके बाद टमाटर शामिल कर लेते हैं, सॉल्ट शामिल कर लेते हैं, नमक, उसके बाद 1/2 कप पानी शामिल करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। कवर लगा के 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना। तकरीबन 7 मिनट गुजर चुके हैं, उसके बाद तेज पत्ते निकाल लेते हैं, काम खत्म।
इसके बाद सब पेड़ शामिल कर लेते हैं। हल्दी, अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। स्लो फ्लेम पे दही शामिल कर लेते हैं। दही का पानी खुश्क हो चुका है, आयल ऊपर आ गया। इसके बाद धनिया पाउडर शामिल कर लेते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला, ये हमारा सीक्रेट मसाला है। लेमन का रस शामिल कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करना। तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। इसे डिश आउट करते हैं। कढ़ाई में रेडी है। हल्का सा धनिया लगा लेते हैं। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में गाइड करें।